हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि का जज पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ का आज भाग 6 है। पिछले भाग 5 भागों में हमने देखा था सामान्य हिंदी जो कवि परिचय आपको दिया गया, तो उसके अंतर्गत जितने भी पद्य खंड में और गद्य खंड में कवि साहित्यकार हैं उनका रिविजन किया। गद्य खंड के 2-3 साहित्यकार रह गए थे जिनका आज इस टॉपिक में हम रिविजन करेंगे। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट आएगा सामान्य हिंदी रिविजन महाकुंभ का, उसमें आप हिंदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा। तो ये सीरीज आपके हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा में जो आपकी 20 नंबर की हिंदी बनेगी, खासकर जो री एग्जाम होने वाला है स्नातक स्तरीय, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये रिवीजन क्लासेस रहेंगी। साथ ही जो अन्य क्लासेस आ रही हैं वो भी आप लोग देखते रहिए, पुराने पेपर्स, PYQ और साथ में जो हमारी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, इनको आप जरूर इनरोल कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको दोस्तों 90 मॉक टेस्ट दिए गए हैं इस बार, 30 हिंदी के, 30 सामान्य दिन के और 30 उत्तराखंड जीके के। उसके बाद आपके दोस्तों फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट शुरू होने हैं इसमें, जो कि आपके 6 अप्रैल 6 जून से शुरू होंगे और 30 जून तक रहेंगे। ठीक है, तो 25 इस बार फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है विद वीडियो सॉल्यूशन। इस बार प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में मिलेगा तो शाम को उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, तो आप लोग इनको लगाइएगा। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी महारिविजन क्लास का भाग 6। आज शुरुआत करेंगे दोस्तों हमारे आंचलिक साहित्यकार जिनको कहा जाता है उत्तराखंड के, शैलेश मटियानी जी से। ठीक है, तो शैलेश मटियानी जी आंचलिक साहित्यकार, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को बाड़ेछिना अल्मोड़ा में। पिता का नाम था बिशनसिया मटियानी और पत्नी नीला मटियानी। कार्य क्षेत्र रहा साहित्यकार रहे, संपादक रहे और उपन्यासकार रहे। ठीक है, तो ये हमारे शैलेश मटियानी जी। आप इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं भाई। तो उपन्यास में आ जाता है बोरीवली से बोरीबंदर तक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए कबूतर खाना, चिठ्ठी सेन, हौलदार, किस्सा नर्मदा बहन गंगूबाई का। ठीक है, इसके अलावा देखिए मूक मूक सरोवर के हंस, एक मूठ सरसों, पुनर्जन्म के बाद मुठभेड़, वेरी इंपॉर्टेंट मुठभेड़, अच्छे से याद रखना। और साथ ही देखिए चौथी मुट्ठी, आकाश कितना अनंत है, चंद औरतों का शहर और 52 नदियों का संगम। ये इनके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा देखिए कहानी संग्रह की बात करते तो कहानी संग्रह इनकी, दो दुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियां, तीसरा सुख, जंगल में मंगल और चील, ये इनके कहानी संग्रह। इसके अलावा देखिए कहानियों में अभी मैं बात करूंगा इनकी, जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो भी बात करेंगे। बाल साहित्य भी लिखा है इन्होंने, जैसे कि सिंधु और गंगा, चूहिया का दुल्हा, रानी गोरैया। अन्य रचनाएं देखिए इनके, किसके राम कैसे राम, ठीक है, कागज की नाव, राष्ट्रीयता की चुनौतियां, जनता और साहित्य लेखक की हैसियत से। तो ये सभी इनके क्या है, निबंध संग्रह है, अन्य रचनाएं तो नहीं है, ये है इनके निबंध संग्रह। आजकल आयोग क्या कर रहा है कि आपसे विधाएं भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा निबंध है, कौन सी कहानी है, तो ये निबंध रचना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों इनकी लोक कथाएं में कुछ जो लोक कथाएं हैं वो है कुमाऊं की लोक कथाएं, बारामंडल की लोक कथाएं, चंपावत की लोक कथाएं, डोटी प्रदेश की लोक कथाएं और अल्मोड़ा की लोक कथाएं। तो ये इनकी सब पहाड़ी जो भी प्लेसेस है उन पर आधारित लोक कथाएं। ठीक है, बाल साहित्य भी लिखा है इन्होंने, जैसे कि बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। शैलेश मटियानी जी के बचपन का नाम था भैया रमेश चंद्र सिंह मटियानी, कई बार पूछा जा चुका है पिछले एग्जामों में, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। मटियानी जी आंचलिक साहित्यकार थे। आंचलिक साहित्यकार का मतलब ये होता है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष की जितने भी एक्टिविटीज होती है उस पर आधारित ज्यादा रचनाएं होती है जिसकी, जैसे हमारे जो ये हमारे शैलेश मटियानी जी, इनकी रचनाएं ज्यादातर हमारा पहाड़ी परिवेश पे रही, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, पहाड़ पे आधारित या पहाड़ के जो भी अंचल है वहां पे आधारित इनकी रचनाएं रही। तो ये आंचलिक साहित्यकार थे। इन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का संपादन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो विकल्प पत्रिका और हमारा जनपक्ष, इसका संपादन किसने किया, तो भाई ध्यान रखेंगे संपादन प्रकाशन दोनों का काम किया था मटियानी जी ने। बोरीवली से बोरीबंदर तक शैलेश जी का पहला और प्रसिद्ध उपन्यास था। जनपक्ष इनकी एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक पक्षी पत्रिका थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है, शैलेश मटियानी द्वारा जो संपादित पत्रिका थी जनपक्ष, वो कैसी पत्रिका थी, सांस्कृतिक थी, साहित्यिक थी। ठीक है, इसके अलावा आ सकता है कि वो समाचार में आधारित पत्रिका थी। तो आपको याद रखना है जो जनपक्ष थी इनकी सांस्कृतिक पत्रिका थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभोज कहानी पर इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया। देखिए इनकी कहानी है महाभोज, और महाभोज जो एक रचना है आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार महाभोज तो जो रचना है वो आपकी किसकी है, वो आपके मन्नू भंडारी की है। तो देखिए मन्नू भंडारी जी की भी रचना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, महाभोज। उसके साथ साथ हमारा
मन जो महाभोज है वो मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, जबकि महाभोज कहानी किसकी है तो शैलेश मटियानी की है। दोनों में अंतर समझना, ठीक है। महाभोज ये कहानी है और जो मन्नू भंडारी ने लिखा है वो उपन्यास है। 1983 में फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार इनको मिला, साथ ही 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई। सन 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल शंकरतयन पुरस्कार भी इनको दिया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों 1999 में 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इनको कौन सा पुरस्कार दिया, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने इनको लोहिया सम्मान दिया था, ठीक है। राम मनोहर लोहिया है ना, वहाँ बहुत फेमस लीडर रहे, तो लोहिया सम्मान दिया गया 1999 में, ठीक है, शैलेश मटियानी जी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों शैलेश मटियानी जी, जिनसे ज्यादातर मैं हमेशा देखता हूँ दोस्तों, इनकी जो निबंध संग्रह है किसके राम कैसे राम, कागज की नाव, कागज की नाव भी इनका निबंध संग्रह है, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें कागज की नाव नहीं दिया, आप लोग नोट कर लेना, कागज की नाव ये भी इनका एक निबंध संग्रह है। और वहीं उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनके फेमस वही है भाई, सबसे पहले तो बोरीवली से बोरी बंदर तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1959 में प्रकाशित हुआ था। कबूतर खाना हो इसके एक साल बाद, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे पक्षी, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, छोटे छोटे पक्षी याद रखिएगा, छोटे छोटे पक्षी इसमें है नहीं, इसमें नहीं है तो ठीक है। ये छोटे छोटे पक्षी 1977 में प्रकाशित हुआ था, इनका एक उपन्यास है भी। और इसके अलावा रामकली भी एक इनका उपन्यास है, रामकली, रामकली, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, ये भी एक इनका उपन्यास है। इसके अलावा बहुत से उपन्यास है, जैसे दो बूंद जल है, दो बूंद जल, और भी कुछ उपन्यास है जो कि बर्फ गिर चुकने के बाद, ये भी एक इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, बर्फ गिर चुकने के बाद, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत से उपन्यास इनके, लेकिन परीक्षाओं में मेन मेन उपन्यास ही आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही इतना पता होना चाहिए कि जो उपन्यास है वो कौन सा है, कहानी संग्रह कौन सा है, और निबंध की विधा कौन सी है, और लोक साहित्य बोल सकते हैं या यात्रा वृत्तांत जीवनी वगैरह कौन सी है, तो ऐसे भी क्वेश्चन इनके बन रहे हैं, ठीक है। और इनको जो अभी मैंने फणीश्वर नाथ रेणु वाला पुरस्कार बोला ना, इनको जो फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला था 1983 में, तो ये इनका एक फेमस उपन्यास था मुठभेड़, ठीक है। तो मुठभेड़ जो उपन्यास था इसके लिए मिला था इनको, ये भी आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो पहला कहानी संग्रह था मेरी 33 कहानियां इनकी पहला कहानी संग्रह था ये, और ये 1900 मेरी 33 कहानियां जो प्रकाशित हुआ था ये आपका 1961 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। बाकी दोस्तों बात करें इनके निधन की, तो 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पर्सन है उनके बारे में बात करेंगे। तो अगला नाम है भाई किस्सागो, किस्सागो के नाम से फेमस जो हमारे उत्तराखंड के साहित्यकार है भाई, नाम है इनका मनोहर श्याम जोशी, मूल रूप से उत्तराखंडी थे, वैसे जन्म तो इनका हुआ था 9 अगस्त 1933 को अजमेर राजस्थान में। पिता का नाम था प्रेम बल्लभ जोशी, पत्नी डॉक्टर भगवती जोशी, एंड कार्य क्षेत्र रहा भाई उपन्यासकार, संपादक, पटकथा लेखक रहे, खासकर धारावाहिक जो है इनके बहुत फेमस रहे, और गद्यकार रहे, ठीक है। अब बात करें कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रमुख, तो प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। उपन्यास तो बहुत ज्यादा इनके और फेमस हैं, जैसे कि कसब, पूर्व पुरुष स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हमजात, ये अभी हाल में ही पूछा गया था, आई थिंक पटवारी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ये वाला उपन्यास इनका, हरिया हरकुलज की हैरानी है ना, ये पूछा गया था, क्या क्या आपका मतलब कुमाऊनी शब्द है क्या, ठीक है, यानी कि पता नहीं क्या बोलते हैं जिसको, क्या कौन हूं मैं, बुनियाद, ये सभी इनके उपन्यास है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मनोहर श्याम जोशी जी से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी रही अपने टाइम पीरियड पे, ठीक है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो अल्मोड़ा से थे और जन्म अजमेर में हुआ था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, धारावाहिक इनका यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए हम लोग जो धारावाहिक था सबसे पहले 1984 में इन्होंने ही लिखा था इस धारावाहिक को पूरा, पटकथा जो होती है ना धारावाहिक की इन्होंने लिखी, हालांकि जो डायरेक्शन था वो किसी और ने किया, निर्देशक नहीं थे ये, लेखक थे इस धारावाहिक के, बुनियाद, धारावाहिक कक्का जी कहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये मुझे भी याद है दूरदर्शन पे आता था, हमराही जमीन आसमान गाथा, तो ये सभी धारावाहिक है भाई मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है ये। और वहीं बात करते हैं इन्होंने कुछ व्यंग्य रचनाएं भी की, जैसे कि नेताजी कहीं उस देश का यारो क्या कहना, एक एक इनके इंटरव्यू पे बेस्ड रचना है जो कि है बातों बातों में। संस्मरण भी लिखे हैं भैया कुछ, संस्मरण का मतलब होता है कहीं मैंने यात्रा की तो वहां की यात्रा पे या जो भी मेरी यादें हैं उन पर आधारित कि कैसा कैसा रहा था वहां पे, तो वो संस्मरण कहलाती है ऐसी विधा। तो लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, ये लिखा है इन्होंने, पटकथा लेखन एक परिचय, ठीक है, तो ये इनके कुछ प्रमुख संस्मरण है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख कहानियां, तो मंदिर के घाट की पैड़ियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, ये भी इनकी प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है,
इंपोर्टेंट है। और यात्रा संस्मरण भी इनका यूके ट्रिपल एससी ने पिछली बार पूछा था, पश्चिमी जर्मनी पर एक उल्टी नजर इनका ही यात्रा संस्मरण है। चीन क्या हाल है चीन के, ठीक है, ये भी इनका एक प्रमुख संस्मरण है यात्रा का। और कहानी की मैं बात करूं तो इनकी कहानी सिल्वर वेडिंग, जहां से क्वेश्चन बना था पिछले एग्जाम में, सिल्वर वेडिंग का जो कहानी के पात्र थे यशोधर बाबू, क्वेश्चन बनता है ना हमेशा, तो यशोधर बाबू इनकी कहानी के पात्र थे, ठीक है। और क्याप और कसब, क्याप और कसब दिख रहा है आपको, क्याप हो गया कसब हो गया, ये दोनों ही इनके कुमाऊनी उपन्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं इनसे जुड़े हुए। मनोज श्याम जोशी जी ने टेलीविजन में धारावाहिकों की शुरुआत कराई। देखिए दूरदर्शन पे, या मैं बोल सकता हूँ कि भारत में टेलीविजन के इतिहास में जो पहला धारावाहिक शुरू हुआ, इसका नाम था हम लोग, 1984 होगा, यहाँ पे 82 दिया है जो कि गलत है, इसको सही कर लें आप सभी लोग। इसका प्रकाश, इस धारावाहिक का जो शुरुआत हुई थी 1984 से हुई थी हम लोग, ठीक है। ये पहला डेली सोप था, डेली सोप बोलते हैं ना इसे धारावाहिक को, तो इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है इसी वजह से, यानी कि भारत में जो डेली सोप बनाने की शुरुआत हुई हम लोग धारावाहिक या नाटक से हुई थी, टीवी में नाटक ही बोला जाता है धारावाहिक को, एंड ये 1984 में शुरू हुआ था। जोशी जी ने दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन भी किया था भैया। जोशी जी की पहली कहानी थी नीली ऑस्टिन, जो कि 18 वर्ष में छपी थी। और जोशी जी ने अमृतनाथ नागर और अज्ञेय जी के सानिध्य में पत्रकारिता में विशिष्टता प्राप्त की। तो हरि जो हमारे है ना हीरानंद, जो सच्चिदानंद हमारे वाचालय हैं अज्ञेय जी, तो उनके सानिध्य में, और साथ ही अमृतलाल नागर, दो बड़े नाम है अपने साहित्य के, ठीक है, इनके सानिध्य में इन्होंने पत्रकारिता के गुण सीखे। कुरु कुरु स्वाहा इनका प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास है। इस उपन्यास की किस्सा गोई और ट्रेजी कॉमिक लेखन से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। किस्सा गो के नाम से भी फेमस है, इनको किस्सा गो भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कभी कि किस व्यक्ति को किस्सा गो कहा जाता है, तो किस्सा गो कहा जाता है मनोज श्याम जोशी जी को। ओके, जोशी जी ने एक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसका नाम था वीक एंड रिव्यू, इसका भी संपादन का काम किया था। देखिए जो इनका अंतिम उपन्यास था क्याप, जो कि कुमाऊनी में था, क्याप उपन्यास के लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, साहित्य अकादमी अवार्ड 2005 में मिला। 1994 में इनको शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा दोस्तों एक आपने फिल्म लिखी देखी होगी, आमिर खान की फिल्म थी पापा कहते हैं, ठीक है, तो पापा कहते हैं जो फिल्म थी उसका पटकथा लेखन का काम भी मनोज श्याम जोशी जी ने ही किया था। और एक अब फिल्म आई थी अप्पू राजा, अप्पू राजा भी एक बॉलीवुड की मूवी है, इसका भी पटकथा लेखन का काम किया था मनोज श्याम जोशी जी ने, ठीक है। पापा कहते वाली मूवी आपने देखी होगी ना, सभी बच्चों के लिए, आज के बच्चों के लिए भी ये गाना बड़ा ही अच्छा गाना भी था ये, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि उसकी मंजिल है कहाँ। तो ये गाना देखिए भैया, अपनी मंजिल पता होनी चाहिए, ये तो बॉलीवुड के सॉन्ग है बट दोस्तों, लेकिन अपनी मंजिल स्पष्ट होनी चाहिए हमेशा, और उस मंजिल के बिहाव पर आपकी जो मेहनत है उससे दुगनी होनी चाहिए, तो कोई भी आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी दोस्तों 30 मार्च 2006 को मनोज श्याम जोशी यानी कि किस्सा गो का निधन हो गया था। और इनके बारे में एक, इन्होंने अपने बारे में एक स्टेटमेंट दी है, मैंने अपनी अपेक्षाओं से कमतर ही लिखा है, यानी कि ये बोलते हैं कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे खुद से, मैंने उससे थोड़ा कम लिखा है, मतलब मेरी रचनाएं उतनी ज्यादा जितना मैं चाहता था उतनी मैं लिख नहीं पाया, मतलब जिस लेवल तक मैं लिखना चाहता था वो लिख नहीं पाया, ये बोलते हैं अपने आप के बारे में। तो ये देखिए जब भी कोई आदमी अपनी कमी बखान करता है ना, या कोई भी इंसान अपनी कमियों को उजागर करता है सबके सामने, तो उससे महान व्यक्तित्व तो कोई नहीं होता। और जो व्यक्ति सबके सामने शो ऑफ करता है कुछ ना होते हुए भी, तो दिखावा और शो ऑफ करने वाले के बराबर मैं बोल सकता कि पाखंडी, या बोल सकते कि बेकार आदमी कोई नहीं है, ऐसे आदमी बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते सोसाइटी में। इसलिए जो भी अपनी कमियां हैं दोस्तों, उन कमियों को अपने कम से कम उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको आप अपना वास्तविक मेंटर मानते हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और अपनी कमियों को ना छुपाएं, अपनी कमियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप बात करते हैं नेक्स्ट जो नाम है भैया अगली फेरिस्त में, तो ये हमारी मन्नू भंडारी जी। तो अब आ गई है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 भानपुरा नगर मध्य प्रदेश में। मन्नू भंडारी की भी रूट्स जो है उत्तराखंड से ही है, हालांकि आपने देखा होगा मनोज श्याम जोशी जी है, और साथ ही मन्नू भंडारी जी है, गौरापंत शिवानी जी हैं, ये सभी उत्तराखंड के, लेकिन जन्म इनका बाहर हुआ, क्योंकि इनके पिताजी या जो भी
फैमिली थी वो बाहर थी, क्योंकि रोजगार यापन के लिए पहले से ही उत्तराखंड में पलायन है भैया, ये कोई नई बात नहीं कि हमें अभी दिख रहा है, बहुत पहले से ही राज्य में पलायन होता आ रहा है, क्योंकि भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है हमारा। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था 1931 में, और जन्म स्थान है भैया इनका भानुपुरा मध्य प्रदेश। पिताजी का नाम था सुख संपत राय और पति जी का नाम था इनके राजेंद्र यादव जी। कार्य क्षेत्र राम मन्नू भंडारी का लेखिका रही, कहानीकार और उपन्यासकार रही। अब बात करते हैं उपन्यास, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए आपका बंटी, आपका बंटी दोस्तों इनका एक ऐसा उपन्यास है जो कि विवाह विच्छेद में की जो त्रासदी होती है उसमें पिस रहे एक बच्चे का, यानी कि माता पिता का डाइवोर्स का सीन चल रहा है और उसके बीच में एक बंटी नाम का बच्चा पिस रहा होता है, घुट रहा होता है, तो उसी पर आधारित ये उपन्यास है आपका बंटी। इसके बाद जो अन्य उपन्यास है महाभोज, अभी मैंने बोला ना महाभोज कहानी भी थी सैलिस मटियानी की, लेकिन महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। स्वामी, एक इंच मुस्कान, कलवा, ठीक है, एक कहानी यह भी, तो ये सभी उपन्यास है। कलवा भी आजकल गाँव में बहुत सुनने को मिलता है अभी भी नाम ना, बचपन में हमारे भी कुछ ऐसे यार दोस्त थे जिनको उनके दादाजी लोग या कोई गांव के बुजुर्ग लोग ऐसे ही बुलाते थे, ए कलवा आ जा, ठीक है। तो कलवा उसी से बिल्कुल लगता है कि प्रेरित हुई होंगी और ऐसी रचना इन्होंने की होगी। और इसके बाद एक कहानी यह भी, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। बाकी देखिए दोस्तों महाबोध जो उपन्यास है ना, ये नौकर शाही पे आधारित है, नौकर शाह के बीच जो भ्रष्टाचार होता है उस पर आधारित है। और एक इंच मुस्कान जो है दोस्तों, ये दोनों ने मिलकर की थी, मन्नू भंडारी जी और इनके पति जो है राजेंद्र यादव जी, ठीक है। और एक कहानी यह भी मैं आत्मकथा लिखी है मन्नू भंडारी जी ने अपनी। इसके अलावा इन्होंने नाटकों की भी रचना की, जैसे कि बिना दीवारों का घर और महाभोज का भी इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया, ठीक है, जो उपन्यास था उसी का नाट्य रूपांतरण इन्होंने किया। इसके बाद बात करते हैं कहानियां, तो कहानियां लिखी भैया एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक और विदूषक, ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों एक कहानी और इसमें बहुत फेमस है, वो अकेली कहानी, अकेली नामक एक कहानी इन्होंने लिखा है, जिसमें एक बुआ होती है सोमा बुआ, वो अकेली रहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी यही सच है जो इनकी कहानी है दोस्तों, यही सच है, तो यही सच है कहानी पर इनका इसमें है नहीं क्या ऑप्शन में, माफ कीजिएगा इसमें लिस्ट में है नहीं ना, एक कहानी और इनकी यही सच, अच्छा है तो सही, यही सच है, तो यही सच है पे दोस्तों एक मूवी बनी थी रजनीगंधा, ठीक है, रजनीगंधा नामक मूवी बनी थी यही सच है रचना पे। चलिए अब बात करते हैं इनसे जुड़े, और पटकथाएं भी लिखी इन्होंने रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण की, ठीक है, ये पटकथा जैसे मनोज श्याम जोशी जी ने लिखी ना पटकथाएं धारावाहिकों की फिल्मों की, तो इन्होंने भी लिखी रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण आदि की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। मन्नू भंडारी जी के बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, परंतु लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चयन किया, ठीक है, महेंद्र कुमारी था, मन्नू भंडारी नाम से लिखा। इनके पिताजी जो थे सुख संपत राय, ये भी प्रसिद्ध लेखक थे। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी धर्मयुग पत्रिका में बतौर धारावाहिक प्रकाशित हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये पॉइंट, आपका बंटी जो था ना वो धर्मयुग पत्रिका में बतौर धारावाहिक प्रकाशित हुआ, यानी कि जो भी उपन्यास के खंड होंगे या उपन्यास बहुत बड़ा होता है तो धारावाहिक के तौर पे आज मतलब दो तीन पेज छपे, दूसरे दिन फिर दो तीन, ऐसे धर्मयुग पत्रिका में लंबे टाइम तक ये पूरा उपन्यास छपते रहा होगा, ठीक है। इनकी कहानी यही सच है पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत सुपरहिट हुई, तो रजनीगंधा मूवी बहुत सुपरहिट हुई थी। इस फिल्म को 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला। मन्नू भंडारी जी को आधुनिक साहित्यकार ने आधुनिक कहानी और अभिमान की प्रसिद्ध लेखिका कहा है, तो आधुनिक कहानी और अभिमान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका भंडारी जी को कहा जाता है। मन्नू भंडारी जी को हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान के साथ वर्ष 2008 में प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो देखिए व्यास सम्मान भी मिला इनको 2008 में, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, 2008 में इनको व्यास सम्मान मिला, और किसके लिए मिला ये भी नोट कर लो, इनको 2008 में जो व्यास सम्मान मिला था वो मिला था एक कहानी यह भी रचना के लिए, ठीक है, एक कहानी यह भी, ठीक है, तो एक कहानी यह भी जो कि इनकी एक आत्मकथा है खुद की, तो इसके लिए इनको मिला था व्यास सम्मान। इनका प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी विवाह टूटने के त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर दिखाया गया, ठीक है, तो बंटी नाम का बच्चा होता है उसमें और डाइवोर्स के बीच में वो पिल रहा होता है, तो उसी पे ये पूरा एक उपन्यास है आपका बंटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका बंटी, कई बार पूछा गया पिछले एग्जामों में और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहीं पे समाप्त होता है मन्नू भंडारी जी का टॉपिक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों आज का जो रिवीजन क्लास है हिंदी महारिवीजन क्लास भाग 6 की, बोल सकते हैं कि ये अंतिम पार्ट होगा, और
सामान्य हिंदी कवि परिचय के भी अंतिम जो हमारे साहित्यकार हैं उनका रिवीजन खत्म। इसके बाद हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स का इसमें रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। तो अंतिम नाम में आ जाते हैं दोस्तों हमारे पास शेखर जोशी जी। तो शेखर जोशी जी की बात करते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है शेखर जोशी जी, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनेगा, क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी एग्जामों में, क्योंकि बिकॉज हाल में ही इनका निधन हुआ 2-4 महीने पहले, तो इसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं इनका क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 को। शेखर जोशी जी का जन्म हुआ था ओलिया गांव अल्मोड़ा में, ठीक है। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा दोस्तों, कार्य क्षेत्र रहा इनका कौन सा, तो कार्य क्षेत्र में कहानीकार और साहित्यकार दोनों रहे, खासकर कहानी और साहित्यकार, ठीक है। मतलब अन्य रचनाओं में, मतलब साहित्यकार का मतलब क्या है, साहित्यकार वो है भैया जो कहानी भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है, निबंध भी लिखता है, आलोचनात्मक कृतियां भी लिखता है, आत्मकथा भी लिखता है, जीवनी भी, संस्मरण, रेखा चित्र, यानी कि गद्य खंडों की रचनाओं को जो ज्यादा करता है वो साहित्यकार कहलाता है। पद्य खंडी की जो रचना है उसको जो ज्यादा करता है तो उसको वैसे कवि कहा जाता है, ठीक है, और काव्य साहित्यकार भी उसको कह सकते हैं एक हिसाब से। तो कहानी संग्रह की बात करते हैं शेखर जोशी जी की, तो जोशी जी की कहानी है भैया कोसी का घटवार, दाजियू, सांत के लोग, हलवाहा, गलता लोहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार, प्रथम साक्षात्कार, बिरादरी, आशीर्वचन, गाइड, बुढ़वा, निर्णय, किस्सा गो, बच्चे का सपना, एक पेड़ की याद, देखिए कपिल का पेड़ अलग है, एक पेड़ की याद अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, और संवादहीन नेकलेस, ये हमारे शेखर जोशी जी के कुछ प्रमुख कहानियां भैया, जिसमें कोसी का घटवार हो गया, दाजू कहानी बहुत फेमस है, दाजू कहानी में एक पर्वतीय बच्चा जब दाजू बोलता है अपने वहां के एक अच्छे खासे व्हाइट कॉलर जॉब वाले पर्सन को, तो उसको अखरता नहीं बात, और उस कहानी को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है शेखर जोशी जी ने। आप पढ़ना दाजू कहानी बहुत अच्छी है, कोसी का घटवार भी बहुत अच्छी है। इसमें एक एक्स आर्मी, हमारा एक्स आर्मी होते हैं कोई, ठीक है, उन पे पूरी कहानी है, उनकी लव स्टोरी पे कहानी है, उनकी शादी जिनसे होनी थी हो नहीं पाती, और जब वो उससे दोबारा मिलते हैं आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने घट में, घट मतलब वो चक्की पंचक्की जो होती है उत्तराखंड में, तो वो विधवा हो चुकी होती है, तो दोनों की चित्रण पे पूरी कहानी बड़ी अच्छी है। ऐसे दोस्तों गलता लोहा, दोस्तों गलता लोहा भी बहुत फेमस कहानी है इनकी, और गलता लोहा हमारे एनसीईआरटी में भी थी, जिसमें समाज के एक उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग के दोस्ती के बीच के संवाद को एक हिसाब से पिरोया गया है। नौरंगी बीमार हो गया, इसके अलावा गाइड कहानी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, किस्सा गो, बच्चे का सपना भी बहुत अच्छी है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इतनी रचनाएं तो आपने याद करनी ही पड़ेगी इनकी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं भैया यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा एक कहानी और है इनकी, बदबू, बदबू जो कहानी है ये भी हमारी शेखर जोशी जी की कहानी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समर्पण आ गया ना इसमें, समर्पण, समर्पण, समर्पण भी नहीं आया इसमें, एक कहानी और इनकी समर्पण, ठीक है, नोट कर लेना भैया, नोट्स वगैरह बना लो, बहुत काम आएंगे अभी जो क्लासेस आपको मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहे। देखिए एक पेड़ की याद जो मैंने दिया है ना, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है, वैसे देखा जाए तो शब्द चित्र संग्रह, शब्द चित्र संग्रह का मतलब ये होता है कि आपका जो लेखन किया है साहित्यकार ने, उसके साथ साथ उसमें कुछ इमेजेस भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। बाकी आप बात करते हैं इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो जोशी जी की रचनाओं में पहाड़ी जीवन का समावेश मिलता है भाई, बिल्कुल मिलता है, पहाड़ी जीवन से रिलेटेड इनकी रचना है। इसके अलावा बात करते हैं कोसी का घटवार जो कहानी थी दोस्तों इनकी, वो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल्पना पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, जिससे इनको बहुत ज्यादा पहचान मिली थी। इनकी एक कहानी है दाजू, जो कि मैं बात करता अभी, दाजू पर बाल फिल्म सोसाइटी ने फिल्म भी बनाई है। शेखर जोशी जी को 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला, 1955 में साहित्य भूषण मिला, और 1997 में पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। 1955 से 1986 तक जोशी जी ने ईएमई में भी काम किया, यानी कि जो आर्मी की इंजीनियरिंग विंग होती है ना ईएमई, ठीक है, तो वहां पर भी इन्होंने काम किया था। एंड 1955 में धर्मयुग पत्रिका की कहानी कोसी के घटवार को प्रथम स्थान मिला। तो धर्मयुग पत्रिका में बहुत से साहित्यकारों की कहानियां छपती थी, धर्मयुग अपने टाइम की बहुत बड़ी पत्रिका थी, तो उसमें इनकी कहानी जब छपी थी कोसी का घटवार, तो इसको पहला स्थान मिला, और इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीलाल शुक्ल का भी सम्मान दिया दोस्तों। और साथ ही देखिए मरने के बाद इनको मरणोपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी ना अभी अक्टूबर 2022 में, तो अक्टूबर 2022 में जब इनकी मृत्यु हुई दोस्तों, तो इनको मरणोपरांत एक पुरस्कार मिला उत्तराखंड का। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो पुरस्कार कौन सा था, ठीक है, कौन से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया 2022 में, ठीक है, और अक्टूबर 2022 में इनका निधन हो गया। तो शेखर जोशी जी से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके बन सकते हैं,
क्योंकि निधन हुआ इनका, साथ ही पुरस्कार भी मिला। और उसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं वो ज्यादातर हमारे सामाजिक और आंचलिक क्षेत्रों से जुड़ी है, जैसे शेखर जोशी जी हैं, और इसके अलावा मनोहर श्याम जोशी जी हैं, शैलेश मटियानी जी हैं, मन्नू भंडारी जी हैं, शिवानी जी हैं। तो इनकी साहित्यिक रचनाएं ज्यादा आने की संभावना एग्जाम में रहती है। और कवि परिचय में हम देखते, तो कवि परिचय में तो जितने भी हमारे कवि हैं उनकी सबकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनसे जुड़े वो काफी ज्यादा जरूरी है याद करने आपको, नहीं तो आपका एक नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं सामान्य हिंदी महारिवीजन क्लास भाग 6। अगली क्लास में देखेंगे सामान्य हिंदी का कोई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और साथ ही फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एप्लीकेशन स्टोर पे आपको मिल जाएंगे ये। और इन प्रैक्टिस सेट्स का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। प्रैक्टिस सेट में जो हमारे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट मैंने इजी टू मॉडरेट रखे हुए हैं, और साथ ही जो 25 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे शुरू, तो वो थोड़ा मैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल के रखूंगा। इसीलिए इस बार मैंने मॉक टेस्ट देने की आपको ठानी कि मॉक टेस्ट से आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, और साथ ही जब फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसमें आपकी आपका विश्लेषण होगा कि आपने कितनी डेप्थ में पढ़ाई किया और कितना स्कोर कर पा रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस सेट का कोई भी संबंध एग्जाम हॉल के पेपर से नहीं होता, ये आपकी बस एक पूर्व में एक तैयारी है एग्जाम हॉल में बैठने से पहले। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप बहुत कम स्कोर करें या ज्यादा स्कोर करें, तो वैसा ही परीक्षा हॉल में भी होगा, पेपर वहां पे आपको इसी पैटर्न पे मिलेगा। किस्मत अच्छी रही तो प्रैक्टिस सेटों से ही बहुत क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस की मैं बात करूँ, साथ ही अभी सचिवालय रक्षक की मैं बात करूँ, तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेटों से निकल के आ गए थे। ठीक है, तो ये अब किस्मत पे भी डिपेंड करता है, बाकी इनका बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। प्रैक्टिस सेट हो गए, साथ ही मॉक टेस्ट हो गए, और पुराने ईयर के जो पेपर्स हो गए उनको जरूर देखिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।